नगारा दिया करो, विधायक कुछ नहीं है, सब साला चुतिया। जो बोल के गया था कि हम रोड ये बनवा देंगे, लेकिन वो कभी मस्जिद में घुस के जाके कसम खाया था। कौन? अमित मंडल। लेकिन फिर जीतने के बाद ना घूम के आया और ना इसको देखने के लिए आया ना बनवाया। और गुड्डू मंडल तो बराबर इधर आता है, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं देता। सड़क और जल जमाव की परेशानी के बीच बरसों से रह रहे असनबनी के लोग नहीं दे रहे कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान। मोहल्ले वालों ने निकाली विधायक और नगर अध्यक्ष पर अपनी भड़ास। बता दें कि विगत कुछ वर्षों से लगातार असनबनी रहमत नगर के लोग सड़क और जल जमाव की समस्या से विधायक और नगर परिषद अध्यक्ष को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मोहल्ले वासियों का कहना है सिर्फ वोट मांगने के समय जनप्रतिनिधि यहाँ पर दिखते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता। जब हमने वहाँ के वार्ड पार्षद से इस विषय में बात की तो उन्होंने बताया, हमने कई बार कोशिश की है, नगर परिषद के बोर्ड मीटिंग में भी बात रखी है, पर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं मोहल्ले वासियों ने बताया कि बारिश के दिनों में यहाँ जीना दूभर हो जाता है। कुछ दूर तक सड़क है तो बीच में बड़ा सा नाला है और नाले का स्लैब भी टूटा हुआ है, जिससे आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। सुनिए क्या कहते हैं असनबनी रहमत नगर के निवासी। नगर अध्यक्ष और विधायक कुछ नहीं है, सब सब कल वोटिंग के समय ही सर नगर अध्यक्ष और विधायक है, इसके बाद कहीं कुछ है ही नहीं है। हम लोग शाम में जा करके रात में घुस के रहना पड़ता है। सांप तो आपका बहुत दिक्कत हम लोगों को है, खाली वोट के वगैरह वोट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता इसमें। सर जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, सभी लोगों के पास हम लोग गए हैं, और आज आज़ादी के 73 साल होने के बाद भी जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर भी ये क्षेत्र नहीं है, और यहाँ पर इतनी कठिनाई है कि हम लोग मतलब कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं दिन प्रतिदिन। और बरसात के वक्त में तो सुगम रास्ता नहीं होने की वजह से हमें हमारे घर तक साइकिल तक पहुँचना ही मुश्किल हो जाता है। और इस परिचय में क्या कहा जाए, जहाँ देश दिन दुगनी रात चौगुनी विकास कर रहा है, फिर भी ये स्थिति है इस क्षेत्र का, और ये और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और जिला प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए। मोहल्ला में दिक्कत यही हो रहा है कि रोड के लिए बहुत टेंशन है, जाने आने में बरसात में देख लीजिए कैसा है। इसी तरह से आप लोग हमेशा आते हैं, यही नाले के ऊपर से रात अनार में आदमी गिर भी जाता है उसमें। कठिनाई हम लोगों को है, बहुत परेशानी है, रात में जिला का नेता जिंदा बहुत तरह का दिक्कत होता है, सांप वगैरह ये सब निकलता है, मतलब है कि समझे ना, बहुत सारी परेशानियां हैं, बच्चे हमारे हमें बहुत दिक्कत है, समझे ना, बहुत दिक्कत है इससे। क्या बोलिएगा यहाँ आप, जो जिसको वोट देकर जीता है नेताजी को, क्या बोलिएगा? वो तो जिंदाबाद है, वोट जो पार्षद साहब हमारे हैं उनका तो जिंदाबाद है ही, लेकिन उनके माध्यम से हम लोगों का रोड बनना चाहिए, चाहे हमारे नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल जी हो, समझे ना, बहुत दिक्कत होती है। जहाँ तक कभी मैयत अगर हो तो लेके जाना परेशानी पड़ता है, कंधे पे लेके जाना, ऐसे ऐसे करके लेके जाना पड़ता है, इतना इतना पानी रहता है हम लोग के यहाँ। जब आया यहाँ पे इलेक्शन के समय देखा उखा, उसके बाद रास्ता का उसको हम लोग बताए कि ऐसा ऐसा बात है, देख लिए सर, तो बोला ठीक है चलिए दिखाइए। तो यहाँ से गया मस्जिद तक, मस्जिद तक दिखा दिए, मस्जिद के गेट पर वो कसम खाया खड़ा होकर, अंकल अगर हम जीत गए तो जीतने के बाद पहला हम इसको रोड बनवाएंगे। रहा है और ये जो बोल के गया था कि हम रोड ये बनवा देंगे, लेकिन वो कभी मस्जिद में घुस के जाके कसम खाया था। कौन? अमित मंडल। लेकिन फिर जीतने के बाद ना घूम के आया और ना इसको देखने के लिए आया ना बनवाया। और गुड्डू मंडल तो बराबर इधर आता है, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं देता। इसके लिए तो हम हर बार जो बोर्ड मीटिंग होता है उसमें दिए हैं स्टेटमेंट, नापी करके भी दिए हैं कि बहुत दिक्कत है, पब्लिक हमको बोला है, हमको जिताया है, वार्ड पार्षद बनाया है उम्मीद से, लेकिन नगर परिषद में जाते जाते सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। जहाँ ज़रूरत का सामान है वहाँ रोड बनता नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ जाकर बनता है, और हम लोग के मोहल्ला में कोई देखने का भी नहीं आता है, चाहे अध्यक्ष रहे या उपाध्यक्ष रहे या साहब रहे, हम लोग के पास इतने हैं कि हम लोग पीछे में है या पिछड़ा जाते समझिए हम लोग को, इसी कारण या संसद विधायक कोई हम लोग को देखने का भी नहीं आता। आज 2 साल लॉकडाउन हो गया, को आज तक ये नहीं देखा है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, गरीब का क्या परेशानी है, कैसे बाल बच्चा निकलेगा, बगल में मस्जिद है, पार होने का रास्ता नहीं है, लेकिन क्या करेंगे। सबसे बड़ा बात हमारा काम वार्ड पार्षद छोटा सा, हम नेता आप अपने स्तर से जो करना था हर दम पूछ लीजिए, मेरा जनता खड़ा है कि हम हर वक्त हर समय में हम जनता के मौजूद में रहते हैं कि नहीं, बुलाया जाता है तो ये आ जाते हैं हम लोगों के पास, कभी भी 12 बजे रात में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी मेरे प्रति अगर कोई बोल सकता है कि 120 शिकायत मेरा प्रति हो सकता है कि हम वार्ड पार्षद को बुलाते हैं और नहीं आता है, अभी आप फोन किए हम आए कि नहीं।